अलविदा कादर खान। कादर खान अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में जो उन्होंने अपनी छवि बनाई उसे कभी कोई भूल नहीं पाएगा। बड़े पर्दे पर कादर खान और गोविंदा की जोड़ी ने भी खूब धमाल मचाया। दोनों की जुगलबंदी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। फिल्मों में जो अक्सर जोड़ियां होती हैं वो एक हीरो और हीरोइन की होती है, लेकिन गोविंदा एक ऐसे हीरो थे और कादर खान एक ऐसे एक्टर थे जिनकी जोड़ी हिंदी सिनेमा में बहुत मशहूर हुई। बहुत ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद गोविंदा। सर क्या कहना चाहेंगे, जब उनकी खबर आई कनाडा में उनकी मौत हो गई कादर साहब की, तो पहला रिएक्शन क्या था, पहले भाव आपके क्या थे, क्योंकि आपने बहुत लंबा अरसा उनके साथ गुजारा और बहुत शायद आप एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्मों में कादर खान के साथ काम किया है। कादर खान जी की तारीफ लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि उनकी वजह से मैं जो मेरे शुरुआती फिल्मी दौर में मैंने जो फिल्में की वो जो कामयाब हुई उसमें आदरणीय का कादर खान जी का बहुत योगदान था फिल्मों में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में बहुत ही आपकी जो कैफियत थी उसमें सूफीज़म था और मुझे बहुत प्रेम बहुत सम्मान, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एज एन शुरुआत में मैं आधा दर्जन फिल्में जो कर रहा था उसमें मैं हीरो नहीं था, आई वॉज डूइंग अ सेकेंड रोल। आदरणीय कादर खान जी उसमें मेन लीड कर रहे थे और मैं उसमें सेकेंड रोल प्ले कर रहा था, डांस और गाना अच्छा मैं कर रहा था और आप उनकी प्रमुख भूमिका थी उसमें। और वो कामयाब हुई, दरिया दिल जैसी करनी वैसी भरमी, इन फिल्मों के वो हीरो थे और मैं उनके वजह से बहुत शुरुआती थी इसमें मुझे कभी तकलीफ नहीं आई। और फिर दर्जनों फिल्में जो हैं वो हिट हुई और चाहे वो बहुत है मेरे पास। आप लोगों ने कई कई फिल्मों में काम किया। हाँ जी हमने। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वजह से मैं जो कामयाब हुआ मेरे पास अल्फाज नहीं है कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं। और मेरा ये सोचना है कि ऐसे आर्टिस्ट ऐसे सीनियर्स जो मुझे मिले मैं बहुत लकी रहा और जो कामयाब हुआ आप लोगों की वजह से हुआ। ये है ABP News, आपको रखे आगे।